हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरी वन। कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप जुड़े हैं शाइन क्लासेस, मैं हूँ शालिनी, आपका स्वागत करती हूँ यहाँ पर। आज इस क्लास में मतलब कह सकते हैं कि रियर थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर टू है समावेशी शिक्षा, इसके बारे में स्टार्ट करने चल रही हूँ। ये सब्जेक्ट अभी तक मैंने नहीं स्टार्ट किया है, तो आज ये कह सकते हैं कि ये पहली क्लास होगी आपकी, और काफ़ी बढ़िया ये सब्जेक्ट है। आपको इससे प्रश्न काफ़ी बढ़िया मात्रा में आपको आगे जो एग्ज़ाम टेट के देने हैं और सुपर टेट सी टेट वगैरह जो भी देना है, सारे में ये टॉपिक से प्रश्न बनता है। अच्छा टॉपिक कहना चाहूँगी है, इस वजह से कहना चाहूँगी क्योंकि पता है ये इतना बढ़िया टॉपिक है जिसको हम बहुत आसानी से आसान शब्दों में समझ सकते हैं। हम इनसे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रिलेट कर पाते हैं, और जिस भी टॉपिक में हम दिन प्रतिदिन के कार्यों को रिलेट कर पाते हैं वो सब्जेक्ट इन कंपेरिजन टू अदर वो वाकई में ईजी होता है। तो ये सब्जेक्ट भी कुछ इसी तरह से है जिसमें हमें काफ़ी चीज़ों को जानना है जो हम डेली देखते आए हैं। काफ़ी बढ़िया है, अच्छा नंबर भी मिलेगा। 50 नंबर का ये आपका पेपर होगा, पहले पे दिन ये आपका पेपर होगा। 40 प्रश्न आपके आएंगे, सारी डिटेल आपको पता है। अब आपको समझना है कि ये होती क्या है, क्योंकि इसके प्रश्न आपको बनते हैं। बढ़िया टॉपिक है, तो फिर चलिए शुरुआत कर रहे हैं। आपको एक काम करना है, अगर आज पहली बार यहाँ पर आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, कैसी रहती है क्लास जरूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मेल करिए। आगे देखते हैं आज की इस क्लास को। चलिए सबसे पहले नाम जो है, जो ही सब्जेक्ट का नाम है, जो बुक का नाम है, वही कॉन्सेप्ट है कि ये है क्या। अब वैसे भी हम अगर कोई चीज़ पढ़ने चलते हैं या पढ़ते हैं तो उनकी जो भूमिका होती है या जो उनका नाम होता है, उनके नाम का क्या अर्थ होता है, वो अगर हम जान लेते हैं तो शायद हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए आइए फिर हम भी नाम जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है समावेशी शिक्षा। ये इसका मतलब पता है क्या होता है? ये एक ऐसी, मैं आम भाषा में बता रही हूँ, ये एक ऐसी शिक्षा की एक विधि है, या कह सकते हैं एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं या बालिकाएँ हैं, सभी को एक साथ बैठा कर एक ही विद्यालय की एक ही कक्षा में शिक्षा देना, उनको शिक्षा मुहैया कराना। समावेशी का मतलब है कि सबको साथ में लेकर चलना, सबका साथ एक साथ विकास करना, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना। आइए बढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर बातों को चर्चा करेंगे फुल डिटेल में। आप ध्यान से देखिए, क्वालिटी इंक्रीज करिए, आपको भी दिखाई देगा। बात है, पहला कॉन्सेप्ट है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हमें समझना है दिया है कि समावेशी शिक्षा के बारे में सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं, एक जनरल वे में, एक नॉर्मल तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि सामान्य विद्यालय में सामान्य विद्यार्थी के साथ रहकर विशिष्ट प्रकार के बालकों को शिक्षा प्रदान करना। मतलब एक नॉर्मल सा स्कूल है, नॉर्मल जितने नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे, जो भी सब, मतलब जो सब नॉर्मल है, मतलब ऐसा कि होता है कि सारे सामान्य से बच्चे हैं, उनको उनके साथ में जो विशिष्ट प्रकार के बालक है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सामान्य बालक को, सामान्य को और विशिष्ट बालक को, दोनों को साथ बैठाकर एक ही विद्यालय में जो शिक्षा प्रदान की जाती है या ऐसे कार्यक्रम को चलाया जाता है, तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, जिससे असमर्थ बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। इसका मेन एजेंडा क्या है कि जो असमर्थ बालक है, जो बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी रूप से बाधित हैं, तो उनका भी होल डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चों के साथ हो पाए, इसको एक प्रकार से कह सकते हैं। इसलिए भी लाया गया था कि जो भेदभाव है ऊंची जाति के नीची जाति का, या जो सामान्य बच्चे हैं, जो शारीरिक मानसिक सभी फैक्टर में स्वस्थ हैं, और इनके कंपैरिजन जो बच्चे नहीं स्वस्थ हैं वो उनसे कहीं डरते रहते हैं, उनके मन में कहीं एक रहता है कि नहीं, हम उनसे कमज़ोर हैं, हम उनसे वीक हैं, उनके साथ नहीं पढ़ सकते, उनके साथ नहीं बैठ सकते, उनके लिए अलग क्लास है, हमारे लिए अलग स्कूल है। तो ये सारी जो भेदभाव की भावनाएं मन में बच्चों के बैठ जाती है, जो आगे चलकर उनको बहुत दिक्कत क्रिएट करती है, इसीलिए इन सारी बाधाओं को सामने देखते हुए सबको दूर करने के लिए ये ऐसी शिक्षा का एक शुरुआत कह सकते हैं किया गया, सरकार के द्वारा, बहुत लोगों के द्वारा सोचा गया, विचार किया गया, तब ये शिक्षा आई कि हम जो सामान्य हैं उनको तो पढ़ा ही रहे हैं, उनके साथ जो विशिष्ट बालक हैं हम उनको भी उनके साथ शिक्षा देंगे। तो ये तालमेल बैठाने का एक कार्यक्रम किया गया ताकि ये सारी दिक्कतें सामने ना हो। आइए देखते हैं, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में असमर्थ और असामान्य, असमर्थ जो इनकैपेबल है और सामान्य मतलब जो नॉर्मल है, कोई दिक्कत उनको नहीं है, दोनों प्रकार के बालक होते हैं, कोई एक स्पेशल नहीं होता, दोनों लोग इसमें होते हैं।
असमर्थ बालक को कुछ आवश्यकता अनुसार विशेष सुविधाएं प्रदान, जो असमर्थ बालक को जैसे कान में सुनने में प्रॉब्लम है तो उनको कान की मशीन दे देंगे, आँख में प्रॉब्लम है तो उनको आगे बैठा देंगे, ठीक है, अगर पैर में चल पैर से कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए जो है कुछ और व्यवस्था करेंगे, ट्राईसाइकिल की व्यवस्था करेंगे चढ़ने वढ़ने के लिए या जो भी चीज़ें रहेंगी। तो जो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा विकलांग है तो उनको थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। इससे असमर्थ बालक को अपने आप को मानसिक रूप से, इससे जब हम उनको नॉर्मल बच्चे के साथ एक थोड़ा थोड़ी दिक्कत बात है, जो कोई थोड़ा बाधित है उनको जब बैठाओगे तो उनको लगता है कि नहीं हम इनके बराबर हैं, उनको थोड़ा सा अपने मन में एक प्राउड फीलिंग आती है। जो बच्चे विकलांग हैं, आँखों में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, उनको जब आप नॉर्मल बच्चे के साथ बैठाओगे तो वो इस जो कमी उनके अंदर होती है वो उसको मतलब सोचते हैं कि नहीं हम नॉर्मल है। समावेशी शिक्षा में बालकों में अपनी सूझबूझ का विकास होता है। समावेशी शिक्षा में बच्चों की जो सूझबूझ होती है वो बहुत ज़्यादा विकास होता है और बालक एक दूसरे की सहायता भी कर, एक दूसरे के हेल्पिंग नेचर का भी भावनाएं उनके मन में आती हैं तथा समायोजन भी मिलता है ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट का भी कार्य करते हैं। एक बात आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी, आप अगर रिलेट कर पा रहे होंगे तो समावेशी शिक्षा की जो तारे ज़मीन पिक्चर बनी हुई थी उसमें जो लड़का, नाम नहीं याद आ रहा है, जिस लड़के का मेन लीडिंग रोल था, उस लड़के का जो फ्रेंड था आपको याद होगा वो विकलांग था। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा देख सकते हैं कि बहुत अच्छी मूवी भी होती वो मूवी और इसका कुछ अच्छा संबंध है। तो यहाँ पर आपको ये बात बहुत ही क्लियर तरीके से समझनी है कि अगर एक नॉर्मल बच्चा है और एक थोड़ा सा किसी कोई डिसऑर्डर से ग्रसित है अगर, तो उन दोनों को साथ में बैठाकर पढ़ाना, क्योंकि वो भाई गॉड गिफ्टेड है, जैसा भी है वो अलग बात है, कभी हंसना नहीं चाहिए पहली बात तो, और दूसरी बात यह है कि उनको भी समान ट्रीटमेंट देना चाहिए क्योंकि उनका भी अधिकार है, पढ़ना सभी के अधिकार की बातें हैं और वो चीज़ें जो हैं भी वो गॉड गिफ्टेड है, कोई किया नहीं है। तो कभी ऐसी परिस्थिति में किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। तो ये सारी भावनाएं जो बड़े लोगों के भी, बड़े बच्चों में होती है, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो उनको ऐसा बोल देते हैं अरे ये तो ऐसा है वैसा, तो ऐसे कार्य नहीं करने। तो इन्हीं सारे भेदभाव को मिटाने के लिए ऐसे कार्यक्रम, ऐसी व्यवस्थाओं को लाने का प्रयास किया गया। आइए आगे, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले जो बालक हैं, विशिष्ट क्षमता का मतलब है कि मंद बुद्धि, जो मन से थोड़ा बुद्धि उनकी मंद है, धीरे है, धीरे सोचते हैं, धीरे करते हैं, अंधे हैं, बहरे बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक भी इसके अंदर रहते हैं। स्पेशल के अंदर, विशिष्ट बालक के अंदर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन भी इसके अंदर कहते हैं, क्योंकि कभी कभी देखा गया कि जो बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट, कभी वो थोड़ा हमको थोड़ा सा थोड़ा सनकी टाइप के लगते हैं, कुछ हमको उस मूडी टाइप के, कुछ सनकी नेचर के लोग लगते हैं। मैंने भी इस चीज़ को वो काफ़ी ऑब्जर्व किया कि सब कुछ है, एकदम लैविश लाइफ है, एकदम किसी की कोई कमी नहीं, लेकिन उनका जो माइंड सेट है, जो उनका एक दायरा है, वो कहीं मुझे सनकी टाइप का, मूडी टाइप का नेचर का। मैंने ऐसे कई लोगों से लाइफ में मिला और अब मैं करती हूँ, मैं डिस्टेंस, अब मैंने भाप लिया, आकलन कर लिया तो मैं डिस्टेंस बनाती हूँ, नहीं भैया कौन टक्कर लेगा फालतू की मूडी इंसान से। तो ये कभी कभी अच्छे भी निकल जाते हैं, कभी कभी बड़े गड़बड़ टाइप के भी निकल जाते हैं, तो ये भी बालक उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समेकित शिक्षा के द्वारा, मतलब दोनों के मिलने के द्वारा, सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच होती है। जब ये दोनों लोग मिलते हैं ना, तो सबसे पहले जो नॉर्मल बच्चा है उसकी इंटेलिजेंस पावर और जो अपंग बच्चा है उसकी इंटेलिजेंस की जो स्तर है उसको जांचा जाता है, उसका चेकिंग किया जाता है, ठीक है। तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित, तब फिर समझ में आ जाता है कि जो नॉर्मल बच्चा है उसको गिनती कहाँ तक आती है और जो अपंग बच्चा उसको गिनती कहाँ तक आती है। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है जो विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु ही निर्धारित की गई है, जो अपंग बालक है उनके लिए बनाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। तो मैंने आपसे एक इंट्रोडक्शन टाइप में जो भी चीज़ें थी वो आपको बताया यहाँ पर कि कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए बढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस की तरफ। पहली डेफिनेशन यहाँ पर है, कुछ शास्त्रियों ने मिलकर यहाँ पर कहा था कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो काफ़ी लोगों ने मिलकर बहुमत के साथ इसको समर्थन दिया और एक परिभाषा दी, जो कि आप देख सकते हैं कि कहीं तक, काफ़ी हद तक ये सही है। पहली हो गई, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो यर्सेल जी हैं, उन्होंने भी एक परिभाषा दी है, इन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। ये भी बात इनकी सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भेदभाव का एक लिंग के कारण भी है, लड़की लड़का, प्रजाति जाति, भाषा के कारण भी थोड़ा देखने को मिलता है, सामाजिक फैक्टर भी इसमें शामिल होता है,
आर्थिक स्तर भी है, विकलांगता भी शामिल है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, इन सबको साथ में लेकर चलने के लिए, विकास करने के लिए समावेशी शिक्षा को लाया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर है, समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है जो कि शिक्षा को अपने में समेटे हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है और ऊपर उठने को प्रोत्साहित करती है। ये एक ऐसी शिक्षा है जो ये भेदभाव, जाति और तमाम चीज़ों को लेकर बांधे हुए अभी तक चली आ रही थी, जिससे विकास नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चे का नुकसान होना देश का नुकसान होना है। तो कहीं ना कहीं जो दृष्टिकोण बैठा एक मन में छिपा हुआ था, उन सबको हटाते हुए, उन सबको खोलते हुए, एक ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नए तरीके से, सिस्टम से कार्य होना है जो समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य कहलाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के अन्य आयाम खोलती है। ये सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं कि सोचिए आप सिर्फ अधिगम है, पढ़ाई पढ़ाई है, उसके लिए ही रास्ता बनाती है, जी नहीं, ये बहुत सारे और भी जो काम होते हैं उनसे काफ़ी रिलेटेड होती है और हेल्प करती है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आप बात को समझ पा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ विशेषता की, काफ़ी बढ़िया टॉपिक ये भी चल रहा है। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं और इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इसकी विशेषता ये है कि जो नॉर्मल बच्चा होता है और जो स्पेशल बच्चा होता है वो दोनों एक साथ पढ़ते हैं। जो स्पेशल बच्चा होता है, अगर विकलांगता है, कोई रीज़न है, कोई चीज़ है, तो उसको थोड़ी सी मतलब प्रोवाइड चीज़ें थोड़ा ज़्यादा कर दी जाती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ें हो रही हैं तो उनको आगे बैठा दो, उनके लिए हेल्प कर दो, ये कोशिश की जाती है। दूसरी विशेषता है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरा एक विशेष शिक्षा का कोई विकास नहीं करते हैं, पूरा पूर्ण विकास करने का कार्य किया जाता है, जिसमें हर तरीके से उनको हम सिखा पाएँ, किसी एक पहलू पर कार्य ना करें। बहुत कम बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश कराया जाता है। इसमें क्या होता है, किंतु गंभीर रूप से जो बाधित बालक होते हैं उनको यहाँ पर नहीं लिया जाता है। अन्य आवश्यक प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात ही समावेशी विद्यालय प्रवेश होता है। इसमें मतलब यह है कि जैसे बहुत ज़्यादा अगर बहुत गंभीर वाली समस्या है तो उनके लिए स्पेशल विद्यालय है, उनको वहीं ले जाया जाता है। अगर थोड़ा बहुत डिसऑर्डर है तो उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, नॉर्मल बच्चों के साथ उठाया जाता है, बैठाया जाता है, सिखाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा विकलांगता की कोई दिक्कत है तो उनके लिए स्पेशल विद्यालय खुला होता है, उसको बनाया जाता है और उनको फिर एडमिशन वगैरह वहाँ पर दिलाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, तीसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या बातें कही जा रही हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार किया जाता है या किया जा रहा है जिसमें बालकों को सामान्य शिक्षा का अवसर देते हैं, सबको एक बराबर शिक्षा का अवसर मिलता है। अवसर मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है। वह समाज में सामान्य लोगों की तरह उठता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, उनके साथ रहे, बातें करे, इसलिए ऐसे शिक्षण संस्थान के नियम को छूट भी दी जाती है और प्रभावशाली वातावरण भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि विशेषता के लिए बहुत बालक कम समय में ही अपने आप को सामान्य बालकों के साथ समायोजित कर सके। ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा तरीका है, कह सकते हैं पद्धति है, सिस्टम है, जिसके द्वारा बच्चों को जब नॉर्मल के साथ आप उठाओगे, बैठाओगे, लंच करेंगे, रात खेलेंगे, खाएंगे, ड्रेस पहनेंगे, प्रेयर करेंगे, पढ़ेंगे, जवाब देंगे, आंसर करेंगे, पेपर देंगे, तो उनके अंदर भी एक पावर डेवलप होगी, उनके अंदर भी अंदर से एक ऊर्जा आएगी कि नहीं, हम और ये दोनों बराबर है, कोई खास अंतर देखने को दोनों में नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मन की जीत जो होती है, वही कहते हैं ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। अगर आप मन से जीत गए हैं तो कोई भी कार्य कितना भी टफ होगा आप उसको बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर मन से हार गए तो उस काम को इतनी आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। तो मन, बच्चों के मन को जीतना है, उनके मन में ये फीलिंग ले आनी है कि हम दोनों बराबर हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर छोटे में ये बात उनके मन में बैठ जाएगी तो फिर आगे कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सोची जाती है और किया जाता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा में विशिष्ट और सामान्य बालक के मध्य जो है एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण को भी डेवलप किया जाता है, ताकि उनके प्रत्येक स्तर पर उनके साथ हेल्प हो जाए और कोई लोगों के बीच में उनके साथ भावना आए, सहयोग करें, वो एक दूसरे की हेल्प करें, एडजस्ट करें और सीख पाएँ। ये एक ऐसी व्यवस्था हो जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालक की तरह महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसे तरीके हैं जिसमें जो विकलांग बालक है उनको ये फील करवाया जाता है कि नहीं, आप विकलांग नहीं, आप भी नॉर्मल है, उनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है ताकि वो सीख पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, पीछे ना रहें, क्योंकि उनके पीछे रहने से देश का विकास रुक जाएगा। तो इस तरीके से कार्य किया जाता है। समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो विशिष्ट बालक को भी उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ उसी रूप में स्वीकार किया जाता है, उनको भी सारे ट्रीटमेंट जितने अपॉर्चुनिटी नॉर्मल बच्चे को दी जाएगी उतनी उनको भी दी जाएगी और उनको समान अधिकार देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है, ताकि उनको कोई भेदभाव ना फील हो।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और नागरिक और उनके नागरिक अधिकार को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। उनके जीवन के लेवल को बढ़ा करने के लिए और जो उनके नागरिक होने के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको हर प्रकार से सुरक्षित करने के लिए, हर चीज़ के चीज़ों को बताने के लिए, वो अपंग है या कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनके जितने अधिकार हैं जो नॉर्मल को मिल रहे हैं वो एक सिटीजन होने के नाते उनको भी मिलने चाहिए। तो उनके अधिकार क्या हैं, कैसे वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। उनके अंदर एक जज्बा, एक हिम्मत को लाने का प्रयास किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर होगी। आपके छोटे टॉपिक है तो क्लासेस भी छोटी होगी, मैं बहुत लंबा नहीं करने वाली हूँ इस बार आपको, ताकि छोटा आप पढ़िए, जितना पढ़िए उसको रिविज़न कर पाइए, सीखिए। तो ये टॉपिक रहा जो मैंने आज एक चैप्टर आपका शुरुआत किया कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है इसके अंतर्गत, किस पे बारे में चर्चा की जा रही है, क्या बातें हैं, ताकि आप नाम से ही आकलन कर पाएँ और कुछ प्रश्न अपने आप से बनाकर लिख पाएँ। क्योंकि ये सब्जेक्ट, आपने एक बात नोटिस की होगी कि एजुकेशन पेपर 1-2 जो हर सेमेस्टर में मिल रहा है वो इतना बढ़िया है। वो बढ़िया रीज़न इसलिए है क्योंकि एक तो 50 नंबर का है, नंबर भी हमें बढ़िया दिलाता है, दूसरा कुछ चीज़ें अगर नहीं आती हैं हमें तो हम बनाकर भी लिख पाते हैं, तो इसीलिए काफ़ी बढ़िया है, जो हमें हेल्प करता है। आज की क्लास में यही करती हूँ भाई, इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो आपको कल की क्लास में मिलेंगे। अभी ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है तो इस पे ही क्लासेस होंगी 3-4 दिन, फिर अलग सब्जेक्ट पे। तो पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, डेली टाइम पर आइए, आप अपनी बहुमत के साथ आइए, पढ़िए जैसे पहले आप आया करते साथ में। तो मैं आपकी क्लासेस 2 जल्दी ही कर दूंगी, लेकिन पहले आप लोग की प्रेजेंस मुझे दिखेगी कि आप लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इच्छुक हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं चीज़ों को कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अब आपको पढ़ाई में मन लगाना, एक हफ्ते एक महीने हमने छुट्टी कर ली, बहुत कर लिया, अब जुट जाइए। और नोट्स आपको टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करिएगा, मिल जाएगी जल्दी ही आप लोग को वहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट में कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कोई प्रॉब्लम होती कमेंट बॉक्स में पूछिए।